आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो एक अच्छे ब्रांड में थर्मो वार्म जो मैन के लिए होता है वो ढूंढ रहे हैं। वेल हे गाइस, वेलकम बैक, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है आशीष कुमार। आज का जो ब्रांड है वो नेवा थर्मो फॉर मैन है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी देता है। आज ये अलग प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों के लिए रिव्यू करने वाला हूँ, अच्छी क्वालिटी का। चलिए आज मैं खोल के आप इसको दिखाता हूँ कि किस तरीके का ये प्रोडक्ट रहने वाला। एक छोटा सा क्विक अनबॉक्सिंग रिव्यू, यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है 18 सेंटीमीटर है। ये मेरे जैसे पतले लोगों के लिए है, कहने का मतलब है कि 36 साइज़ है। आप अगर शर्ट की बात करें 36 to 38 है, पतला होता है। और उन लोगों के लिए जैसे मैंने इसे खरीदा, तो पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा मुझे भी काफ़ी फिटेड होता है, बहुत टाइट होता है। तो अगर आपको और ढीला चाहिए तो आप चाहे 90 या 85 ऐसे अगर आता है, अपऑन एवव आता है, वो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा है, थर्मोकोट है, अच्छी गर्मी रहती है। ऑलरेडी मैं एक ट्राई कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, मतलब एक और मैंने नया लिया है, तो मैंने आपके साथ साथ दो कलर में आता है, हल्का एक सिल्वर टाइप में। और फैब्रिक्स और स्टिचिंग जो की गई है बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी में है। और कंपनियाँ इस चीज़ों पर ध्यान देती हैं क्योंकि ये हम रेगुलर यूज़ करते हैं और इस ठंडी के मौसम में अभी भी ठंडी है। तो अगर आप अभी भी लुकआउट कर रहे हैं एक अच्छे से ब्रांड का, और ये पूरा आपको पैंट तक रहता है, मतलब अच्छा, लंबाई भी अच्छी है और फैब्रिक्स ठीक है। और बहुत सारे ब्रांड बनाते हैं, लेकिन ये एक ब्रांड है जो मैं आपके साथ रिव्यू कर रहा हूँ। आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं, या बहुत सारे ब्रांड हैं, आप उसके साथ भी जा सकते हैं। मेरा इसके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा है, और मेरे जैसे पतले दुबले के लिए काफ़ी ज़्यादा रहता है। कई बार होता है कि आपके स्लीव्स निकल जाते हैं, आप शर्ट पहना आपको बाहर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा छोटा ही वो करके देते हैं कि हल्का अंदर ही रहे, वो भी अच्छा है। और जो सिलाई है या कुछ भी है उससे कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा रहता है। यहाँ देखिए 2 फीट ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे जैसे पतले दुबले के लिए, मैं काफ़ी पतला दुबला हूँ, तो उस वजह से आप अगर आप थोड़ा हेल्दी हैं तो डेफिनेटली ये आपको बहुत टाइट हो गई थी, तो आप 90 के साथ जा सकते हैं, 85 जा सकते हैं, या आप ट्राई कर सकते हैं लेने से पहले। अगर किसी दुकान पर आप ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, तो वहाँ से मैंने इसे ऑनलाइन किया, तो आपको मित्रा पे मिल जाएगा, अमेजॉन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। तो आप पहले देख लीजिए कि आपको कहाँ से सस्ता मिल रहा है, तो जहाँ से सस्ता मिल रहा है आप वहाँ से लीजिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और टाइम टू टाइम, क्योंकि प्राइसिंग नहीं बता रहा, क्योंकि वह फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठंड का जो सीजन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे, लेकिन अभी भी हम बिहार से हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड अभी भी है हमारे शहर में, ठीक है। उस वजह से अगर आपको अभी भी ज़रूरत है, नीड है, आप सोच रहे हैं लेना, तो घर में पहन के बैठने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब एक गर्मी रहती है। और ये जो हाथ का जो है ये स्टिचेस, वो काफ़ी अच्छा फिटेड रहता है, एकदम एयर टाइट रहता है, यानी आप जब बाइक चलाते हैं तो हवा अंदर नहीं घुसने देता, तो ये बहुत ज़रूरी बाइकर्स के लिए भी है। उस विचार से ये एक बेस्ट प्राइसिंग और बेस्ट पॉइंट के हिसाब से कहें तो अच्छी क्वालिटी का ये प्रोडक्ट रहने वाला है। और मैंने खुद यूज़ किया तो मुझे लगता है कि ये पैसा वसूल है। अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं, मुझे कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना कि 10-15 वॉश के बाद ये बहुत ढीला हो जाए, ऐसा नहीं, हल्का सा ढीला होगा लेकिन बहुत ढीला नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कि आपको जब भी आप धो के इसको पहनेंगे आपको फिटेड लगता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और शर्ट के अंदर आप पहने और अपने आप को जो होता है ना ठंड से बचाएं, ये है। और अभी तक जितना भी सपोर्ट आप प्यार हमारे चैनल को आप दे रहे हैं उसका दिल से धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, हमें डेली ज़रूरत है। आने वाले दिनों में 1-2 टी शर्ट्स मैं लेके आया हूँ, कॉटन टी शर्ट, वो हम आपके साथ रिव्यू करेंगे। और एक रोस्टर का टी शर्ट है, वो भी थोड़ा सा फैशनेबल है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो बैक टू बैक वो वीडियोज़ रहने वाले हैं। कल के वीडियो में आप मार्क एंड स्पेंसर का कॉटन टी शर्ट देखेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।